गोहाना ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए शहर के महम रोड, फवारा चौक, वाल्मीकि चौक और पुराना बस स्टैंड पर नाके लगाकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान के गोहाना ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज परमवीर ने बताया। गोहाना शहर में लगातार उच्च अधिकारियों के आदेश पर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर आज 2Z ब्लैक गाड़ियों के 10-10 हजार का चालान किया गया है और नाको चेतावनी देते हुए दोबारा से गाड़ी के शीशे पर फिल्म ना चढ़वाने की सलाह देते हुए गाड़ियों पर लगी ब्लैक फिल्म को उतरवा दिया। ये आज दो ब्लैक फिल्म पकड़ी हैं, एक वरना है और एक स्विफ्ट है और ट्रिपल राइडिंग भी है, हेलमेट भी है, विदाउट नंबर प्लेट भी है। इनके चालान किए हैं, दो गाड़ियों के 10-10 हजार रुपए किए हैं ब्लैक जेड के। अभी तुरंत नगद कैश का बुलट नहीं है, बुलटों के लगातार चल रहे हैं, रोज का एक दो चल रहा है बुलट पटाखा, उसका कर रहे हैं चालान रोज आना हो जाते हैं, क्यों 20 हो जाता है, क्यों 40 भी हो जाते हैं, मौके मौके की बात क्या होता है। हम तो अपील कर रहे हैं पब्लिक से, भाई इनके साथ वाहनों के साथ छेड़छाड़ ना करो, यात्रा के थोड़ा स्लो तो है, यात्रा को लेके वैसे चलता रहेगा। ये आज दो ब्लैक फिल्म पकड़ी है, एक वरना है।